इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। हम इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में रहते हैं और जहाँ पे हर एक चीज जो है वो मैथमेटिकली हमें हेल्प करती है और मैथमेटिकली स्टैटिस्टिक्स में हमें नजर आती है। इसका मतलब ये है कि स्टैट्स हमारी डे टू डे लाइफ की जितनी भी हैपनिंग्स हैं उसमें इम्पोर्टेंस रखती है। उसकी कुछ जो चंद जो चीजें हैं जो कि जहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है वो है एवरीडे वेदर फॉरकास्टिंग। हम ये देखते हैं कि बेसिकली के पॉसिबल जो अपकमिंग जो वेदर है वो किस तरह से होगा और ये सारी चीजें हमें कंप्यूटर मॉडल बेस्ड जो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स है वहां से ये इस चीज की प्रेडिक्शन नजर आती है। हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले एक महीने में एक साल में हमारे वेदर का क्या कंडीशन होगा, क्या फ्यूचर वेदर हम इजीली प्रेडिक्ट करते हैं। देन फिर स्टैटिस्टिक जो है वो हमें बिजनेस मार्केट में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। स्टैटिस्टिक फ्रीक्वेंटली जो रिसर्चर्स हैं उनको हेल्प करती है कि मनी की फ्लैक्चुएशन कितनी होगी, टाइम और अदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आप देखना चाहते हैं, क्या आपका फ्यूचर स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से काम करता है, बिजनेस में जो करेंसी है वो कौन सी करेंसी अप एंड डाउन जाएगी, ये फ्लैक्चुएशन ये सारी चीजें भी हमें स्टैट्स के थ्रू ही पता चलती हैं। देन फिर इस बिजनेस मार्केट के बाद हमें मेडिकल फील्ड में अगर हम देखें तो वो इसमें भी हमें एक बहुत ही मेजर चेंज नजर आता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम ये चीज देख सकते हैं कि हम जो ड्रग्स हैं कौन सी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कौन से फार्मासिस्ट के पास वो ड्रग्स अवेलेबल हैं, वो दवाइयां हम इजीली ले सकते हैं और उनके वैलिड रेट्स क्या हैं, इफेक्टिव हैं या नहीं है। सिमिलरली अगर हम देखें कि इन सारी मेडिकल स्टडीज के पीछे जो डॉक्टर्स डिजीजेस प्रिडिक्ट करते हैं कि अपकमिंग कौन कौन सी डिजीजेस हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, तो ये सारी चीजें भी हमें स्टैटिस्टिकल जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं के बेसिस पे नजर आती हैं। देन हमें अगर हम देखें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो भी उनका भी बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल का यूज बढ़ गया है। टूल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं ताकि वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इलेक्शन में कौन विनर होगा कौन नहीं होगा, कमिंग गवर्नमेंट में किस तरह से किसकी ज्यादा वोटिंग रहेगी। तो ये जो सारी चीजें हमें नजर आती हैं टीवी पे या हमें जो अखबारों में नजर आती है प्रिंट मीडिया में नजर आता है, तो वो एक स्टैटिस्टिक लेकर आते हैं कि इस इलाके से ये फला एमपीए जो है वो मेंबर जो है वो विन कर गया है या लूज कर गया। तो ये सारी जो स्टैटिस्टिक नजर आती है, जो डाटा नजर आता है, वो भी स्टैटिस्टिक से हेल्प ली गई होती है। स्टैटिस्टिक्स हमें की मदद से हम साइकोलॉजिकल जितनी साइकोलॉजी और एजुकेशन में किसी भी चीज की रिलायबिलिटी वैलिडिटी या हम टेस्ट या इफेक्टिव एनालिसिस करना चाहते हैं कि एक चीज का दूसरे पे इफेक्टिव इफेक्ट है या नहीं है, कोई एक फैक्टर किसी चीज पे कितना इफेक्ट करता है, तो उसका एनालिसिस करना भी हमें स्टैटिस्टिक की हेल्प से नजर आता है। अगर वो हम फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन में ये देखें कि कोई टेस्ट है, कोई क्वेश्चनेयर है, कोई आपका रिजल्ट है वो रिलायबल है या नहीं है, तो वो भी हमें स्टैटिस्टिक की मदद से पता चलता है कि वो रिलायबल है या अनरिलायबल है, वो टेस्ट वैलिड है या वो टेस्ट वैलिड नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसको मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में, फाइनेंस में और बैंकिंग सिस्टम बैंक्स में आपकी जो जितनी भी आपकी बिल जनरेट होते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है, देन आपकी परचेजिंग है और अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट कंट्रोल है, ये इन सारी चीजों पे स्टैटिस्टिक हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि इस इंफॉर्मेशन दौर में, इस दुनिया ओपन वर्ल्ड में हम स्टैट्स को पीछे के बगैर नहीं गुजारा हो सकता, ये हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है।